जब हम नंबर की बात करते हैं, अब हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। मेन है हमारा कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर का। ओके, आवाज क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, सबको दिख रही है स्क्रीन, राइट? यस सर। अगर नंबर मैंने डाला मान लो 6, और मुझे इसके फैक्टर्स पता करने हैं, तो क्या हैं फैक्टर्स? 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मुझे पता कैसे करना पड़ेगा, मुझे 1 से लेके 6 तक इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 6 को डिवाइड करके देखता हूँ 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से। यहाँ पे आपका 6 मॉड है ही। क्लियर है यहां तक सबके लिए? क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये वाला जो नंबर है ये आपका फैक्टर है। प्रिंट कर दिया, 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर निकालना आता है आप सबको? यस सर। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। तो जहां पे फॉल्स होगी वहां कुछ मत प्रिंट करो। 5, 5 से भी डिवाइड नहीं होता तो इसलिए क्रॉस, और 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो अब 6 प्रिंट कर दो। तो दीज आर योर फैक्टर्स। इतना क्लियर है सबको? लॉजिक क्लियर हो गया सबको, फैक्टर्स कैसे पता करेंगे? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, ये एन, दिस इज योर नंबर, मॉड का साइन, बाकी सब कॉमन है। यहाँ पे आप आई लिख दो क्योंकि ये तो लूप है। तो अब इसे प्रोग्राम में कैसे चेंज करते हैं, देखो प्रोग्राम में, वैसे इसी को, कोड को प्रोग्राम में अगर चेंज करूं तो मैंने इधर रख दिया आपका पैरेलल कोड, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, 1 से चलेगा, देन आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ये हमारा लूप हो गया। देन हमने चेक किया इफ एन मॉड आई इक्वल इक्वल 0, यही कर रहे हैं। नंबर को आप आई से डिवाइड करिए, अगर होता है डिवाइड तो जस्ट आई को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये प्रिंट जो लाइन है ये आपके एलिमेंट को प्रिंट करती है, जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से आपके फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, कोई डाउट है किसी को? और प्रिंट एलन लिखोगे तो लाइन भी चेंज होकर आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टर्स प्रिंटिंग। कोई डाउट है, किसी को भी डाउट है इतने में पूछो। दिस इज फैक्टर प्रिंटिंग। फैक्टर प्रिंटिंग में किसी को डाउट नहीं है आई अज्यूम, अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो। अब मुझे जस्ट, मैं जो बोलूंगा मुझे वही पर्सन बताएगा, और मैं पूछूंगा चेंज। अगर मान लो मुझे ये फैक्टर्स प्रिंट नहीं करने, मुझे इन फैक्टर्स का सम चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मुझे फैक्टर्स प्रिंट नहीं करने, मुझे फैक्टर्स का सम चाहिए। तो सम क्या आता, अगर मैं सम करने को कहूं तो सम क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, कितना होगा सम? 12 होगा ना। तो मुझे ये सम प्रिंट करना है, मुझे फैक्टर्स प्रिंट नहीं करने। तो इस कोड में मैं क्या चेंज करूंगा, जिससे पूछूं वही बताएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए? पहले मुझे बस ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। यस सर, क्लियर। ओके, अब मैं पूछता हूं किसी से, वो बताएगा। ठीक है अनुराग। हाँ दीपक, कुछ कह रहे हो? पहले दीपक आप बोलो। मैं हाँ तो अनम्यूट मत करो। हाँ अनुराग, मुझे सम करना है, क्या चेंज होना चाहिए इसमें? हेलो अनुराग, अनुराग बोलिएगा। हाँ अनुराग, अनुराग नहीं बताएगा, गुस्सा है अनुराग आज। अनुज बताएगा, चलो अनुज। अनुज, अगर मुझे इनका सम करना हो जो मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो मैं क्या चेंज करूंगा इसमें? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो,
यस सर आ रही है। प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं पता तो ये भी कह सकते हो कि नहीं पता, इट्स ओके। देखो चलो चारू बता रही है, चारू आप बताइए। कोई बात नहीं अनुज, चारू आप बता रहे हो या आपको भी नहीं पता है? नहीं बताएगी चारू भी, ओके। मनस्वी, क्या बात है यार, बच्चे ट्राई भी नहीं करते। मनस्वी, सात्विक, सात्विक आर यू देयर? यस सर। हाँ तो मुझे अगर सम करना है तो क्या चेंज होना चाहिए? सर सम करना है तो सर मतलब आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मैं सर मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा था। फैक्टर्स प्रिंट किए ना हमने, 1 2 3 6, मुझे इन फैक्टर्स को प्रिंट नहीं करना, मैं चाहता हूँ उसका सम। तो प्रिंट करने का कोड तो मैंने लिखा हुआ है, अगर मुझे उसका सम करना होता तो मैं इस कोड में क्या चेंज करूं? सर सम करना होता तो कोई बात नहीं, लीव सम प्लस आई, एक एस वेरिएबल ले लीजिए, एस इनिशियली जीरो, राइट? और यहाँ जो आप प्रिंट कर रहे हो इसकी जगह पे आप सम कर दो। सम करना तो अभी तक किया ही है, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, दिस इज योर सम। और लूप के बाद जहां लूप खत्म हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू प्लस एस, दिस इज योर सम ऑफ फैक्टर्स। कोई डाउट है किसी को? बड़ा मुश्किल था अभी क्लियर है? अभी तो क्लियर है ना सबको? अनुराग? हाँ सर मैं बोल रहा था, मेरे उस समय फ्लाइट चला गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुराग, फिलहाल बाकियों को क्लियर है? मनस्वी, गुड। अनुज अब क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगर मुझे अब मान लीजिए इसका सम नहीं करना, काउंट करना है, काउंट करने के लिए हमें काउंट वेरिएबल ले लेंगे, तो इनिशियली जीरो है और यहां पे काउंटिंग कर देंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। जब आप काउंट प्लस वन करते हो तो ये काउंटिंग कर देता है, तो ये आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बता देगा, सम नहीं करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे करेगा आई विल एक्सप्लेन। सी इनिशियली जीरो रख लेते हैं यहां पे, इस साइड में कर देते हैं सी जीरो। जब वो डिवाइड होगा तो फैक्टर आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो सी में क्या हो गया, वन ऐड हो गया। टू से भी डिवाइड हो रहा है फिर वन ऐड कर दो, थ्री से डिवाइड हो रहा है फिर वन ऐड कर दो, फोर से डिवाइड हो रहा है नहीं, फाइव से डिवाइड हो रहा है नहीं, सिक्स से डिवाइड हो रहा है वन ऐड कर दो, लूप खत्म। सी की वैल्यू कितनी हो गई? फोर। सही है, दिस इज योर काउंटिंग। काउंटिंग में कोई डाउट है? काउंटिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसके फैक्टर्स का काउंट करना, दिस इज ऑल्सो डन। ऑल ऑफ यू एनीवन हैज डाउट तो बताइएगा। और अगर मैं कहूं कि एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं अंकुर? सर एक बार काउंट वाला रिपीट कर दीजिए, आवाज चली गई। देखो जब भी आपका नंबर डिवाइड होगा तो आप सी की सी एक वेरिएबल लो जीरो, उसमें वन ऐड कर दो। काउंटिंग का मतलब होता है आप वन वन करके काउंट करते हो ना, वन फिर वन फिर वन। तो मैंने कहा क्या वो वन से डिवाइड होता है? हाँ, तो वन ऐड कर दिया। टू से डिवाइड होता है तो वन ऐड कर दिया, थ्री से डिवाइड होता है तो वन ऐड कर दिया। जब डिवाइड नहीं होता तब हमने कुछ नहीं किया, तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 2 3 4, फोर आंसर आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन या काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर दो, दिस इज योर नंबर ऑफ काउंटिंग। कोई डाउट?
सर इसमें अगर एक भी फैक्टर नहीं होता तो भी काउंट की वैल्यू वन आती। तो काउंट जीरो आता, अगर एक भी नहीं होता तो जीरो आता भाई, पर ऐसा कैसे होता सर? क्यों सर? क्योंकि सर काउंट प्लस वन भी तो करा तो वन ही तो आएगी सर फिर। अच्छा तो वो लूप में डिवाइड होगा तभी तो आएगी ना वन। मैं तो ये कह रहा हूँ जब वो डिवाइड होगा तभी तो आएगा। वन कैसे ऐड हो जाएगा बताओ, कोई नंबर बताओ ऐसा जिसके फैक्टर ना हो, एक भी फैक्टर ना हो जिसका, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है बताओ, है कोई नंबर? नहीं सर, मतलब सर इफ वाली स्टेटमेंट चलती है तो ही वो प्रिंट करेगा। तभी वो काउंट करेगा, तभी वो काउंट करेगा। काउंट में वन ऐड वो सिर्फ तब कर रहा है जब कंडीशन ट्रू हो रही है। ये कंडीशन ट्रू होने पे ही तो वन ऐड किया मैंने, जब नहीं हुई तो मैंने ऐड नहीं किया। तो कोई भी नंबर हो वो वन तभी ऐड करेगा। तभी हमने प्रिंट भी किया था, तभी हमने सम भी किया था, क्योंकि फैक्टर हमें तभी मिलेगा ना। फैक्टर मतलब वो डिवाइड हो रहा है। अब क्लियर है सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि आपका एक प्राइम नंबर होता क्या है, उसके फैक्टर्स कितने होते हैं? कोई भी प्राइम नंबर हो उसके कितने फैक्टर्स होंगे? कितने? दो। दो ना, दो होते हैं, एक वन और एक एन। तो अगर मैं इस जो काउंटिंग आई है इस काउंटिंग को प्रिंट करने की जगह इस काउंटिंग पे मैं कंडीशन लगा दूं, इफ काउंट इक्वल इक्वल टू, तो नंबर प्राइम है। सही है, प्राइम होगा। अगर भाई काउंटिंग आपकी टू आती है लूप के बाद, यानी कि आपके फैक्टर्स दो ही हैं, दो हैं तो नंबर प्राइम है, एल्स नॉट प्राइम, नहीं तो प्राइम नहीं है। क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? उधर ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें कहीं पे भी जावा या सी प्लस प्लस यूज नहीं हो रही, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब प्रिंट कर रहे हो आप और कुछ नहीं। उधर क्लियर है ये टॉपिक? ओके, और दीपक, दीपक है या चला गया? सर वो सर हो गया। हाँ हो गया ना। तो देखो यहाँ तक प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रोग्राम को उठा के मैं किस में डाल दूंगा? जावा के कोड के स्ट्रक्चर में, जो जावा का कोड का स्ट्रक्चर है, मान लो यही था तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नंबर में यूजर से एंटर कराने की जगह, या नंबर से यूजर से ही एंटर करा लेते हैं। यूजर से एंटर कराने के लिए हमें लिखना पड़ता है, ये दो तीन लाइनें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया, एन को इनपुट करा लो, इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये इंटीजर इनपुट कराने के लिए होता है, आई और जे आपने कर ही लिया, बाकी आपका ब्रैकेट, ये एल्स का ब्रैकेट बंद हो गया, ये आपका मेन का ब्रैकेट बंद हो गया, लिख देता हूँ मैं मेन, और दिस इज योर क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर ही प्रोग्राम बनते हैं। एंड ऑफ क्लास, ये हो गया एंड ऑफ क्लास, ये हो गया आपका एंड एंड ऑफ मेन, और ये हो गया एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, यहाँ से यहाँ तक लूप था आपका, सही। नंबर एंटर करा लिया, इम्पोर्ट और करना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकॉलन, और प्राइम है तो हमने फंक्शन का नाम भी चेंज, क्लास का नाम चेंज कर दिया, प्राइम सेव कर देते हैं, प्राइम डॉट जावा, अब रन करेंगे सी ड्राइव बी वॉक सी एम डी जावा सी प्राइम डॉट जावा, दिस इज योर रनिंग। अब जावा प्राइम कंपाइल कर दिया, देन रन कर लो। अब वो पूछ रहा है नंबर, नंबर डाला मैंने, मान लो कौन सा नंबर डालूं, एट, नॉट ए प्राइम नंबर, दोबारा रन करते हैं, फाइव डाल देते हैं, नंबर इज प्राइम। क्लियर है?
अगर इसी प्रोग्राम को आप देखो, इनमें सारे सब कुछ कर लेते हैं, ये हो गया आपका प्राइम वाला, अगर मैं इसी प्रोग्राम को फैक्टर्स प्रिंट करने वाला कर देता हूं तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा? इस पार्ट को हटा देते हैं, यहाँ काउंट की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आई प्रिंट कर दो तो फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, काउंटर की जरूरत नहीं है, काउंटर हटा दो, कमेंट है कमेंट कर दिया है, जावा सी कंपाइल करो, देन रन करो, नंबर डालो, मान लो आपने 10 डाल दिया, तो दीज आर योर फैक्टर्स 1, 2, 5, 10, 10 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 5 से होता है और 10 से होता है, ये फैक्टर्स आ गए आपके, ठीक है ना? तो एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं ये सारे क्वेश्चंस, क्लियर है? अभी कोई डाउट है किसी को? गुड इनफ।